So hey, what's up guys, Harshan back with another video. So guys, in this video, I'm going to show you on iOS 15. So guys, this is my phone, this is iOS 15 and my iPhone 7. So guys, how can we bypass our lock screen without any password? So guys, because this is a paid sponsorship video, that's why guys, giveaway is going to be in this video. And guys, the last giveaway, its results I have Instagram on Instagram. So this is my Instagram handle, make sure to go and follow me. गाइस गिवअवे में पार्टिसिपेट करना बिल्कुल सिंपल है. आपको एक रैंडम कमेंट करना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कुछ भी कमेंट कर सकते हो आप. वैसे गाइस मैं आपको बता दूं कि जो सॉफ्टवेयर है ये अराउंड 3000 रुपए का मिलता है अपने इंडिया में इंडियन INR के हिसाब से. सो गाइस अगर आप चाहो तो इसको खरीद भी सकते हो, बट अगर आपको अपना लक ट्राई करना है तो आप गिवअवे में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो. स्टेप्स बहुत सिंपल है, सिंपली Instagram पे फॉलो करना है, ये रहा मेरा Instagram हैंडल, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और गाइस एक रैंडम कमेंट ड्रॉप कर देना है. सो गाइस अराउंड 5-7 दिन बाद में इस वाले गिव अवे का रिजल्ट्स दे दूंगा. गाइस मैंने पास्ट में कम से कम 20 कीज गिव अवे कर रखी हैं 20 लोगों को. सो गाइस मैं गिव अवे इसलिए कर देता हूं क्योंकि गाइस मैं एक बार वीडियो बनाता हूं और उसके बाद की जो होती है ये मेरे किसी काम की नहीं होती, क्योंकि मेरे केस में तो मैं जानबूझकर अपने फोन को खराब करता हूं, जानबूझकर इसमें लॉक लगाता हूं. सो गाइस इसलिए मैं सोचता हूं कि किसी का भला हो जाए. सो गाइस इसलिए मैं कीज का गिव अवे कर देता हूं. एनीवे गाइस लेट्स जस्ट क्विकली गेट स्टार्टेड. मैं अपना ये वाला कैमरा जो कि इस समय पीछे मुंह करके बैठा हुआ है इसको मैं यहाँ पर फिक्स करता हूँ और गाइस लेट्स जस्ट क्विकली गेट स्टार्टेड. एंड सो ऑलराइट गाइस सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ कि गाइस मैं iOS 15 पे हूँ. जैसा कि आप देख सकते हो गाइस ये मेरा iPhone 7 है, इसको मैंने कल परसों ही अपने iOS 15 पे करा है. एंड गाइस मैं इस पार्ट को फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ. मैं गाइस फटाफट इसमें पासवर्ड लगाता हूँ एक और गाइस अपने फ़ोन को पर्पजली मैं वो कर देता हूँ, ब्लॉक कर देता हूँ यूज़ एनीवे. मतलब मैं पर्पजली इसमें गलत गलत पासवर्ड डाल के इसको लॉक कर देता हूँ. सो मैं इस पार्ट को फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ. एंड गाइज एज यू कैन सी मेरा फोन डिसेबल हो चुका है यहाँ पे एक मिनट के लिए. गाइज अब आपको अपने कंप्यूटर पर जाना पड़ेगा. सो ऑल ओवर गाइज एज यू कैन सी जो सॉफ्टवेयर के बारे में बात करने वाला हूँ गाइज वो है अपना पैसकोड का आईफोन अनलॉकर. गाइज ये मेरे को वन ऑफ द बेस्ट सॉफ्टवेयर लगता है क्योंकि गाइज इसमें हम एक ही सॉफ्टवेयर के साथ अपनी आईफोन स्क्रीन, मतलब मैं आपको दिखाता हूँ अभी आगे जाके कि इससे हम काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं एक ही सॉफ्टवेयर के साथ. सो गाइज यहाँ पे बेसिकली सारे सिनेरियोज लिखे हुए हैं कि किस किस केस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं. सो गाइज इससे हम अपनी एप्पल आईडी को भी अनलॉक कर सकते हैं, उसको भी हटा सकते हैं, सबसे बढ़िया बात ये है. सो गाइज मेरे पास ये सॉफ्टवेयर ऑलरेडी है गाइज, इसलिए मैं इसको डाउनलोड नहीं करूँगा. वैसे गाइज अगर आपको इसको डाउनलोड करना है तो आप सिंपली यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करेंगे एंड गाइज ये डाउनलोड हो गया. इससे पहले मैं इसको कैंसिल करता. सो गाइज यहाँ से मैं सॉफ्टवेयर को ओपन करता हूँ. सो ऑलराइट गाइज एज यू कैन सी यहाँ पे इस तरह को सॉफ्टवेयर गाइज ये देखो, सबसे बढ़िया बात ये है कि इससे आप iOS की स्क्रीन को भी अनलॉक कर सकते हो, स्क्रीन टाइम पासवर्ड भी हटा सकते हो, एप्पल आईडी को भी अनलॉक कर सकते हो और गाइज जो आपकी मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट होती है उसको भी आप हटा सकते हो. सो गाइज मैं फटाफट क्या करता हूँ, मैं अपने आईफोन को कनेक्ट करता हूँ. सो गाइज एज यू कैन सी मेरा आईफोन फिर से लॉक स्टेट से हट गया है. सो मैं इसमें एक रैंडम पासवर्ड डालता हूँ और गाइज अब ये 5 मिनट के लिए लॉक हो गया है. सो मैं अपने फ़ोन को रखता हूँ यहाँ पर. मैं सोचता हूँ थोड़ा कैमरे को फ़ोन की तरफ करता हूँ और गाइज अपने USB के थ्रू कंप्यूटर से कनेक्ट करता हूँ अपने iOS को. गाइज ये iOS 15 पर है और ये है मेरा iPhone 7. एंड गाइज अभी तक यहाँ पे डिटेक्ट नहीं हुआ है मेरा डिवाइस. सो गाइज जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे डिवाइस मेरा डिटेक्ट हो गया है. गाइज मैं स्क्रीन लॉक, हाँ ठीक है ना. सो गाइज मैं सिंपली क्लिक करूँगा यहाँ पे नेक्स्ट पर. एंड गाइज पहले ये बोल रहा है कि मेरे को अपने डिवाइस को DFU रिकवरी मोड पे ले जाना पड़ेगा. सो रिकवरी मोड पे ले जाने के लिए सिंपली पावर बटन और वॉल्यूम डाउन बटन में दबा के रखूँगा और गाइज जैसे ही मेरी स्क्रीन पर कुछ आएगा मैं दोनों बटन्स को रिलीज़ कर दूंगा. गाइज ये देखो इस वाले सॉफ्टवेयर के साथ, मतलब ये चीज़ हम बेसिकली iTunes से भी कर सकते हैं, आई एम टेलिंग यू अगेन. लेकिन गाइज जो ये सॉफ्टवेयर है पैसकोड अनलॉकर वाला, इसमें गाइज और भी बहुत सारी चीज़ें जो आप कर सकते हो जो कि हम iTunes से नहीं कर सकते हैं. सो गाइज ये मेरे को लगा, मेरे हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा है सॉफ्टवेयर का. सो गाइज एज यू कैन सी यहाँ पे डाउनलोड करेगा आपके iOS 15 की IPSW फाइल. गाइज मेरे पास ये ऑलरेडी है तो इसलिए मैं इसको डाउनलोड नहीं करूँगा. गाइज कोई तुक नहीं बनता, मतलब अराउंड 15 GB की फाइल को, 5 GB की फाइल को दोबारा डाउनलोड करने का. सो गाइज इसलिए मैंने पाथ पे जाके अपनी जो मेरे कंप्यूटर में लोकली स्टोर थी फाइल मैंने वो सेलेक्ट कर दी है और गाइज यहाँ पे अब लिखा ये सेलेक्ट हो गई है. मैं सिंपली क्लिक करूँगा स्टार्ट रिमूव पर एंड जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे फ़ोन पर अभी तक कुछ नहीं आया है और यहाँ पर लिखा हुआ है वेरीफाइंग फर्मवेयर, मतलब ये अपने आप चीज़ें वेरीफाई करेगा, अपने आप रिस्टोर करेगा, सब कुछ चीज़ें अपने आप कर देगा. सो गाइज इसके लिए तो हमें हमारे पास वेट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है. सो वेट करते हैं, मैं आपको थोड़ी देर आके दिखाता हूँ कि भाई हाँ हुआ है नहीं. गाइस टाइम आप देख सकते हो अभी 12:13 हुए हैं और देखते हैं इसमें कितना टाइम लगेगा. एस्टिमेटेड टाइम दिखा रहा है 3 मिनट्स अनपैकिंग वगैरह के. चलो वेट करते हैं, देखते हैं कब तक होगा. एंड सो ऑल राइट गाइस अराउंड 10-11 मिनट वेट करने के बाद मेरी स्क्रीन पर लिखा गया स्क्रीन लॉक रिमूव सक्सेसफुली. मैं क्लिक करता हूँ डन पर एंड गाइस बेसिकली दैट इज प्रेटी मच इट. और गाइस हम देखते हैं अपने फ़ोन पे क्या होगा. सो ऑल राइट गाइस मैंने फ़ोन को पूरा सेटअप कर दिया
और गाइस मैं स्टार्ट करना ही भूल गया था रिकॉर्डिंग को। एनीवे गाइस जैसे कि आप देख सकते हो, सो गाइस मैंने अपने फ़ोन को सेटअप कर दिया था पूरा अच्छी तरह से, एंड गाइस मेरा फ़ोन जब ऑन हुआ था इसमें कोई भी पासवर्ड नहीं था। सो गाइस एज यू कैन सी दिस राइट हियर इज माय आईफोन 7, एंड गाइस मैंने कम्प्लीटली इसमें पासवर्ड रिमूव कर दिया है। सो गाइस एक बार मैं आपको दिखाऊं भी दोबारा से, तो आई एम ऑन दी लेटेस्ट iOS। सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो, वेट iOS 15.0 एंड योर iOS इज़ अप टू डेट। सो गाइस बेसिकली मेरे हिसाब से आप सिर्फ यही देखने आए होंगे इस वीडियो में, एंड गाइस आपको देख के समझ आ गया होगा किस तरह से आप अपनी लॉक स्क्रीन को बायपास कर सकते हो। सो बेसिकली गाइस आई थिंक दैट्स ऑल फॉर वेरी मच इट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी देन डू ड्रॉप अ लाइक, अगर वीडियो बेकार लगी हो देन यू कैन डिसलाइक द वीडियो एज वेल। सो गाइस मेरे को बहुत सही लगेगा अगर आप सब्सक्राइब कर दोगे तो। एनीवे गाइस आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, पीस आउट, बाय।